अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महासचिव ठाकुर महाराज सिंह ने शिशुमणि महाराणा प्रताप की 479वीं जयंती पर जिला अस्पताल में बांटे बिस्कुट फल। ने वीर योद्धा शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से जिला अस्पताल जिसका नाम महाराणा प्रताप संयुक्त चिकित्सालय जिला बरेली है, उसमें महाराणा प्रताप जी की जयंती पर 479वीं जयंती पर फल, केला, बिस्किट, ब्रेड, सेब इत्यादि का वितरण किया गया। वहाँ के मरीज, वहाँ के तीमारदारों को तथा अन्य लोगों को भी किया गया। वह अपने निवास स्थान 111 रविंदर नगर बदायूं रोड पर मैंने पांच समाज की महिलाओं को एक समाज की महिला को सिलाई मशीन विगत वर्ष की तरह वितरण की गई, जिसके उपलक्ष्य में मुझे बहुत बड़ी खुशी प्रदान हुई और खुशी मिली और लोगों ने खुशी में मेरे साथ हिस्सा भी लिया। मैं इतना खुश था कि महाराणा प्रताप इस तपोभूमि पर, मना हमारे देश की तपोभूमि पर, जिस वक्त उनकी घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देती थी तो इस पृथ्वी का कीर्तिमान भी बढ़ता था। मैंने, मेरे साथ अन्य पदाधिकारी भी थे, हम एक अराजनीतिक की तरफ से हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और ये आयोजन विगत वर्षों से करते चले आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमर सिंह भदौरिया जी के आदेशानुसार माननीय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भदौरिया, जो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से मुझको उत्तर प्रदेश का 7वीं बार जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और मैं हमेशा, मुझे जनरल सेक्रेटरी पद पर उन्होंने बनाए रखा है। मेरा कार्य, मेरी कार्यशैली या मेरा संगठन के प्रति झुकाव क्षत्रिय समाज के तमाम संगठन बरेली जनपद में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में है, लेकिन उन संगठन ने, मैंने रानी पद्मावती को लेकर, साहब आपके संज्ञान में है, आपने कवरेज निकाला था कि रानी पद्मावती को लेकर कितना बड़ा कार्यक्रम किया था, उसी दौर पर अन्य लोगों ने किया था, उनके समाज में उनके साथ उन्होंने किस तरह की टिप्पणी की, मेरी आवाज़, मैंने क्या टिप्पणी की, उच्च सामने है। मैं चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप चिकित्सालय बरेली में महाराणा प्रताप की प्रतिमा रखी जाए, जिसके लिए मैंने आवाज़ उठाई, प्रतिमा का पैसा दे दिया गया, परमिशन ले ली गई, लेकिन एक केवल क्षत्रिय समाज, अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज नहीं, क्षत्रिय समाज के कुछ पदाधिकारियों ने, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय माननीय संतोष गंगवार जी, केंद्रीय मंत्री जी के पत्र लगाकर, CMS कार्यालय मर्दे के हमारे ED हेल्थ डॉक्टर KS गुप्ता जी को देखकर भ्रमित किया, वो मूर्ति आज भी नहीं लग पाई है, वो कार आज भी अधूरा पड़ा है। मुझे अच्छे काम से रोका गया था, मैं रुक गया, मैं अपना नाम नहीं चाहता। मैंने लोकसभा, विधानसभा, MLC तमाम चुनाव लड़ रखे, बड़े पदों पर रहा, 2001 में, 2000 में, सन 2000 में जन बसपा का जिला अध्यक्ष रहा, सत्ता पार्टी में 6 साल जिला अध्यक्ष रहा, दिक्कत नहीं। माननीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थे, उनसे मैंने आवेदन उनको दिया, प्रणाम किया, उनकी मेरी गुजारिश पर जिला अस्पताल बरेली का नाम महाराणा प्रताप चिकित्सालय रखा गया, जिसके आधार पर आज जो वो नाम जीवित है। प्रतिमा रखने के बाद मैं बरेली के तमाम दो पूर्व सांसद थे, हैं, एक प्रतिष्ठित सांसद हैं, तो उनका भी मैंने कहा नाम लिखा जाएगा, किसी से मदद नहीं मांगनी है, किसी से चंदा नहीं लेना है, किसी से कोई वह नहीं लेना है, हम अपनी खेती से, अपने दम पर, अपना परिवार के दम पर, अपने कुटुंब संबंध के दम पर उस मूर्ति को रखवाना चाह रहे थे। यदि माननीय जिलाधिकारी महोदय, यहाँ के अधिकारी हमको परमिशन पुनः देते हैं, हम 15 दिन के अंदर मूर्ति का पैसा, मूर्ति तैयार रखिए, लगवा देंगे। और इसी के साथ आज महाराणा प्रताप जी का 479वां जन्मदिन पर मैंने सबको बहुत बहुत बधाई दी। मैं बधाई के पात्र हैं जो मेरे सहयोग में रहे, और आप भी मेरे बधाई के पात्र हैं जो आप मेरे साथ आए, इसके लिए धन्यवाद।